ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके पास हर वो चीज है जिसे वो चाहे तो हालात बदल सकता है, लेकिन कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे। मतलब अगर आप अकेले चाहें तो हर काम नहीं कर सकते। हर काम के लिए ईश्वर ने अलग अलग लोगों को शक्ति प्रदान की है। ऐसा ही कुछ हुआ कश्मीर के इस आईएएस अफसर के साथ, जिसने साल 2009 में यूपीएससी तो टॉप कर ली, लेकिन फिर वो ऐसी राह पर चल पड़ा जो उसके लिए बनी ही नहीं थी। तो आज की ये रिपोर्ट कश्मीरी आईएएस शाह फैजल के नाम है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए सबसे पहले हम आपको शाह फैसल के बारे में बताते हैं। शाह फैसल ने साल 2009 में यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया था। वे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर के रहने वाले हैं। फैसल के आईएएस बनने के बाद कश्मीर के बहुत से युवा प्रेरित होकर सिविल सेवाओं की तैयारी करने लगे थे, लेकिन अचानक साल 2019 में उन्होंने देश में बढ़ती इंटॉलरेंस की बात कहते हुए इस्तीफा दे दिया था। हालांकि सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। फिर मार्च 2019 में शाह ने खुद की पार्टी जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट बनाई, साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना भी बनाई, लेकिन उनके हौसले महज 3 साल के भीतर ही पस्त हो गए। साल 2014 में जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से शाह फैसल को लगता था कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ गया है। वे मोदी और शाह की नीतियों के भी घोर आलोचक थे। उनके विरोध का अंदाजा उनके एक फेसबुक पोस्ट से मिल जाता है जो उन्होंने नौकरी छोड़ने से पहले किया था। उस वक्त फैसल ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा था, देश में उठ रही आवाजों को ज्यादा देर तक नहीं दबाया जा सकता है। अगर हम सच्चे लोकतंत्र में यकीन रखते हैं तो इस तरह के घुटन भरे माहौल को खत्म होना ही होगा। यही नहीं, उन्होंने एक ऐसी स्टोरी पर भी टिप्पणी की थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी माँ के साथ दुष्कर्म किया था। गुजरात की इस घटना पर फैसल ने लिखा था, पितृसत्ता, आबादी, अशिक्षा, शराब, पौन, तकनीक, अराजकता यानी दुष्कर्म। इस पोस्ट की वजह से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ था। फैसल ने सरकार के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले का भी विरोध किया था। इसके चलते उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि रिहाई के बाद फैसल ने राजनीति छोड़ दी थी। जाहिर है मोदी सरकार के वे बड़े आलोचक रहे हैं, लेकिन वक्त ने ऐसी पलटी मारी है कि अब शाह फैसल उसी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे हैं। वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर न सिर्फ धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर वे देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को भी अपनी वॉल पर पोस्ट करते हैं। शायद यही वजह है कि उनकी नौकरी एक बार फिर बहाल कर दी गई है। इससे पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आदर्शवाद के बारे में बात की थी। शाह ने ट्वीट किया था, पिछले 8 महीनों जनवरी 2019 अगस्त 2019 में मैं टूट गया था। मैंने लगभग सब कुछ खो दिया जो मैंने कई सालों की मेहनत से बनाया था, चाहे वो नौकरी हो, दोस्त हो या प्रतिष्ठा हो। मेरे आदर्शवाद ने मुझे निराश किया है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं खोई। उन्होंने लिखा, मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैंने जो गलतियां की थी उन्हें सही करूंगा। जीवन मुझे एक और मौका देगा। मैं बीते हुए 8 महीनों को पूरी तरह से मिटाना चाहता हूँ। असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं। मैं 39 साल का हो गया हूँ और नई शुरुआत के लिए उत्साहित हूँ। तो आप क्या कहेंगे शाह फैसल के इस फैसले के बारे में? अपनी राय भी जरूर कमेंट करें।